Hello everyone. So as you know that we have started our chapter 9. Let's start the today's part. So the chapter name is The Making of the National Movement 1870s to 1880s. Sorry, 1947 तक. ठीक है कि जो नेशनल मूवमेंट्स हुई थी हमारी 1878 उनके बारे में हम रीड कर रहे थे. देखिए आगे द नीड फॉर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हैड बीन फेल्ट सिंस 1880. अब 1880 से जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, ठीक है, जो भारतीय संगठन जो ग्रुप था उसको फेल होने लगी कि ऑफ एजुकेटेड इंडियंस मतलब पढ़े लिखे भारतीयों की ज़रूरत महसूस होने लगी. बट द इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी डिपेंड दिस डिज़ायर. लेकिन जो इल्बर्ट बिल की जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है, जो विवाद हुआ था उसके कारण ये जो हमारी इच्छा जो थी वो क्या हो गई, डिपेंड यानी कि दबती चली गई. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड व्हेन 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मेट एट बॉम्बे इन दिसंबर 1885. जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ग्रुप जो था उस वो इस्टेब्लिश्ड हुई 1885 के अंदर. और कहाँ हुई थी, मुंबई के अंदर, जो कि हाल फिलहाल जिसको हम मुंबई बोलते हैं, एट दैट टाइम दैट वाज बॉम्बे. तो वहाँ पर 72 डेलीगेट्स यानी कि 72 मेंबर्स वहाँ पर मिले थे मुंबई के अंदर और तब इसकी स्थापना की गई थी. द अर्ली लीडरशिप दादा भाई नौरोजी, ठीक है, जो स्टार्टिंग में जो हमारे लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के उनमें से थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह, मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्य अय्यर अमंग अदर्स, ठीक है, इन सब के बीच ये हमारे लीडर्स थे. वोज लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कलकत्ता, और बहुत सारे लोग मुंबई और कलकत्ता से थे. नौरोजी ए बिजनेस मैन एंड ए पब्लिशिस्ट सेटल्ड इन लंदन. दो दादा भाई नौरोजी जो थे वो एक बिजनेस मैन थे एंड पब्लिकेशंस का काम करते थे. हु वॉज सेटल्ड इन लंदन एंड फॉर ए टाइम मेम्बर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और कुछ समय के लिए वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेम्बर भी रह चुके थे. गाइडेड द यंगर नेशनलिस्ट, जिन्होंने जो यंग नेशनलिस्ट थे, ठीक है, जो हमारे राष्ट्रीय कर्ता थे उनको उन्होंने गाइड भी किया था, उनका ने मतलब उनको एक रास्ता दिखाया था. ए रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल ए हो ह्यूम ऑल्सो प्लेड ए पार्ट इन ब्रिंगिंग इंडियंस फ्रॉम द वेरियस रीजन्स टूगेदर. एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था ए ओ ह्यूम, ठीक है, उन्होंने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था सभी भारतीयों को, अलग अलग क्षेत्र के जो भारतीय थे उन सबको एक साथ इकट्ठा आगे लेकर आने में. आगे देखिए, ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग, एक राष्ट्र किस तरीके से निर्माण होना स्टार्ट हुआ था. इट हैज़ ऑफन बीन सेड दैट द कांग्रेस इज द फर्स्ट 20 ईयर्स वॉज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स. कि भाई काफ़ी बार ये कहा जाता है कि जो कांग्रेस जो थी वो अपने स्टार्टिंग के 20 ईयर्स में काफ़ी मॉडरेट थी, ठीक है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे जो उसके मेथड थे वो काफ़ी मॉडरेट थे यानी कि नॉर्मल से थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांडेड ए ग्रेट वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन. इस दौरान भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखी भारतीयों के लिए गवर्नमेंट के आगे और एडमिनिस्ट्रेशन में. इट वॉन्टेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू बी मेड मोर रिप्रजेंटेटिव, गिवन मोर पावर एंड इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोवेंसेज वेयर नन एग्जिस्टेड. इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो क्या चाहती थी कि भाई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं यानी कि जो हमारी विधानसभाएं जो हैं जो उनको
वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स कि भाई वो भारतीय लोगों की बातों को आगे रखने रख सकें, इतनी उनको परमिशन दी जानी चाहिए, साथ साथ उनको और अधिकार दिए जाने चाहिए। एंड उन प्रोवेंसेस, उन प्रांतों में, उन क्षेत्रों में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनानी चाहिए जहाँ पर कोई एक भी नहीं है। इट डिमांडेड दैट इंडियंस बी प्लेस्ड इन हाई पोजिशंस इन द गवर्नमेंट। साथ साथ इंटरनेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखी कि भारतीयों को गवर्नमेंट के अंदर ऊंची पोजीशंस दी जाएं। फॉर दिस पर्पज़ इट कॉल फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। और इसी पर्पज़ के लिए, इसी उद्देश्य के लिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम रखा गया टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल एज नॉट जस्ट इन लंदन। कि जैसे अभी लंदन में हो रहा था, ये एग्ज़ाम अभी भारत में भी होना चाहिए ताकि भारतीय लोगों को भी हायर पोजीशंस गवर्नमेंट के अंदर मिल सकें, यानी कि जो ये हमारी IAS वगैरह की जो पोस्ट थी ये सब। द डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पार्ट ऑफ ए मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म, सिंस मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब्स एट द टाइम वर नो मोनोपोलाइज बाई वाइट ऑफिशियल्स। ये जो डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस रख रही थी, इन सब का उद्देश्य क्या था कि भाई जो हायर पोस्ट जो थी भारत के अंदर, जिनके ऊपर सिर्फ ब्रिटिश लोगों का एक तरीके से मोनोपोली हो गया था, यानी कि उनका ही एकाधिकार रह गया था, कि जब जो भी हायर पोस्ट थे उन पर सिर्फ अंग्रेज़ ही बैठे थे, तो क्या कहते भाई भारतीय क्या चाहते थे कि भाई भारतों को भी बराबर इक्वल राइट दिए जाएँ, अवसर दिए जाएँ। एंड द ब्रिटिश जनरली अज्यूम दैट इंडियंस कुड नॉट बी गिवन पोजिशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ब्रिटिश लोग जो थे वो क्या सोचते थे कि भाई भारतीय को रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजिशंस नहीं दी जा सकती है, ठीक है, यानी कि उनको अंग्रेज़ों के बराबर अधिकार, उनको उन अंग्रेज़ों के बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती। सिंस ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर सेंडिंग ए मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरीज होम, इंडियनाइजेशन इट वॉज हॉप्ड वुड ऑल्सो रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड। अब क्या हो रहा था अभी तक कि अंग्रेज़ जो ऑफिसर जो थे वो अपनी सैलरी का कह सकते हैं, या कि जो लोग भारत से पैसा जो कमा रहे थे उस पैसे को वो अपने घरों में भेज रहे थे, यानी कि वो इंग्लैंड में भेज रहे थे, ब्रिटिश में भेज रहे थे। तो अब ये जो इंडियंस मूवमेंट जो थी, या जो इंटरनेशनल कांग्रेस जो थी, वो ये उम्मीद रख रही थी कि अगर भाई ऐसा होगा कि भाई भारतीयों को भी इक्वल राइट मिलेंगे, तो जो भारत की जो वेल्थ है, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब कि भाई भारत का पैसा जो भारत से दूर जा रहा है, बाहर जा रहा है, वो स्टॉप हो जाएगा। अदर डिमांड्स इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, द रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और उसके साथ साथ दूसरी जो डिमांड रखी गई वो थी भाई जुडिशरी संबंधी, यानी कि न्याय संबंधी, साथ साथ जो आर्म एक्ट बनाया था उसके अगेंस्ट में, और भारतीय लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाए, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी जाए, ये सब डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही थी। द अर्ली कांग्रेस वो ऑल्सो रेज ए नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। और भी इस अर्ली कांग्रेस ने बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज को भी उठाया, सामने रखा। इट डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी एंड फेमिनाइज इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू हैड इम्प्रोविस्ड पीजेंट्स एंड जमींदार्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्रेन्स टू यूरोप हैड क्रिएटेड फूड शॉर्टेज। कि भी इंटरनेशनल कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिश रूल के कारण क्या हो रहा है, पॉवर्टी जो है भारत में वो फैलती जा रही है, ठीक है, एंड फेमाइंस की मीन्स अकाल यहाँ पर पड़ जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा। क्यों? कि एक तो जो लोग जो ब्रिटिश लोग जो थे, अंग्रेज जो थे, वो किसानों से, जमींदारों से बहुत ज़्यादा मात्रा में रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे थे, कर इकट्ठा कर रहे थे, और साथ साथ भारत के अंदर जो अनाज उगाया जा रहा था उसका एक्सपोर्ट किया जा रहा था यूरोप के अंदर, ठीक है, जिसके कारण हमारे देश में फूड शॉर्टेज होती जा रही थी। द कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। कांग्रेस ने डिमांड रखी कि जो रेवेन्यू है उसके अंदर कमी की जाए, कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री के ऊपर जो खर्चा हो रहा था उसको कट किया जाए, कम किया जाए, एंड मोर फंड्स फॉर इरीगेशन।
सिंचाई के लिए, खेती के लिए ज़्यादा फंड यानी कि ज़्यादा सहूलियत दी जाए। इट पास्ड मैनी रेजोल्यूशंस ऑन द साल्ट टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स एब्रॉड एंड द सफरिंग्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स कॉज्ड बाय एन इंटरफियरिंग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इट पास्ड मैनी रेजोल्यूशंस ऑन द साल्ट टैक्स, और नमक के ऊपर भी जो कर लगाया गया था, ठीक है, उस सब को भी वो क्या करना चाह रहे थे भाई, हटावा देना चाह रहे थे। एंड जो सफरिंग्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे यानी कि जो वन उगाते थे जो लोग, उनको जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको सामने रखा गया। कोज्ड बाय एन इंटर, जो हमारा फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कारण जो वन उगाने वाले लोगों को यानी कि वन से रिलेटेड जो अधिकारी जो थे उनको जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको सामने रखा गया। ऑल दिस शोज दैट डिस्पाइट बीइंग ए बॉडी ऑफ द एजुकेटेड इलाइट, द कांग्रेस डिड नॉट टॉक ओनली ऑन बिहाफ ऑफ प्रोफेशनल ग्रुप्स, जमींदार्स और इंडस्ट्रियलिस्ट। कि भाई इस तरीके से कांग्रेस ने ये शो कर दिया कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ किसी एक ग्रुप के बिहाफ पे नहीं बोल रही है, यानी कि वो सिर्फ किसी जमींदार या इंडस्ट्रियलिस्ट के बिहाफ पे नहीं बोल रही है, बल्कि एक इक्वली वो सबको आगे लेकर जाने की कोशिश कर रही थी। द मॉडरेट लीडर्स वॉन्टेड टू डिवेलप ए पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। जो हमारे जो लीडर जो थे वो चाहते थे कि भाई आम जनता के अंदर अवेयरनेस हो, जागरूकता हो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, यानी कि अंग्रेज जो अन्याय जो कर रहे थे उसके अगेंस्ट उनके अंदर जागरूकता हो। दे पब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स, उन्होंने ये सब करने के लिए न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए, आर्टिकल्स लिखे एंड शोड हाउ ब्रिटिश रूल वॉज लीडिंग टू द इकोनॉमिक रुइन ऑफ द कंट्री। और ये दिखाने की कोशिश की कि भाई जो ब्रिटिश रूल जो है वो किस तरीके से हमें इकोनॉमिकली बर्बाद करता जा रहा है। दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस, उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना की। एंड सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। और साथ ही साथ क्या किया, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, उनको देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा लोगों की ओपिनियन लेने के लिए, लोगों की राय को सुनने के लिए। दे फेल्ट दैट ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। उन्होंने महसूस किया कि जो अंग्रेज जो हैं वो भी फ्रीडम्स एंड जस्टिस के आइडियल्स को रिस्पेक्ट करते हैं। एंड दे सो दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड्स ऑफ इंडियंस। इसलिए उन्होंने उन्हें ये लगा कि भाई जो जस्ट डिमांड्स हैं यानी कि जो डिमांड्स उचित हैं उनको वो एक्सेप्ट करेंगे। वट वॉज नेसेसरी देयरफॉर वॉज टू एक्सप्रेस दीज डिमांड्स। अब क्या कहते हैं कि इस चीज़ के लिए ज़रूरी क्या था, यानी कि भाई वो अंग्रेज़ हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए क्या ज़रूरी था कि उन डिमांड्स को एक्सप्रेस किया जाए, उनको शो किया जाए। एंड मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ इंडियंस, और गवर्नमेंट को, सरकार को अवेयर किया जाए कि भारतीय लोगों की क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच हैं। अब आता है नेक्स्ट, फ्रीडम इज़ अवर बर्थ राइट, कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और था। By the 1890s, many Indians began to raise questions about the political style of Congress. अब 1890 तक बहुत से भारतीयों के द्वारा कांग्रेस के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए थे, भी कि कांग्रेस का जो काम करने का जो तरीका था उसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए थे। In Bengal, Maharashtra and Punjab, leaders such as Bipin Chandra Pal, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय वर बिगनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिशियल ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स। दूसरे जो नेता थे जैसे बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में, जैसे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन्होंने और ज़्यादा तरीके अपनाए, तरीके की खोज की, ऑब्जेक्टिव की खोज की। दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। उन्होंने जो कांग्रेस के द्वारा जो मॉडरेट तरीका अपनाया हुआ था जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स का, उसको आलोचना की उसकी। एंड उन्होंने जोर दिया
सेल्फ रिलायंस पर, यानी कि आत्मनिर्भरता पर, एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क पर. कंस्ट्रक्टिव यानी कि खुद से काम किया जाए, खुद से अपनी सोच से. दे आर्ग्यू दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ. उन्होंने आर्ग्यू दिया, उन्होंने अपने मत दिए कि भाई लोगों को अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी ताकत पर यकीन करना चाहिए. नोट ऑन द गुड इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की जो अच्छी सोच है उसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए, यानी कि अंग्रेज़ों के ऊपर उन्हें यकीन नहीं करना चाहिए. पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए. स्वराज मीन्स अपने राज के लिए लड़ना चाहिए. तिलक रेज द स्लोगन, बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने एक नारा दिया, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्लोगन है ये कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है एंड मैं इसको लेकर रहूँगा. काफ़ी इम्पोर्टेंट स्लोगन है. किसके द्वारा दिया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा. ठीक है, और ये किस लिए दिया गया? भी लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों के अंदर एक फ्रीडम की फीलिंग्स को जगाने के लिए. सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन रीड दिस चैप्टर योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग.